वेलकम इन टीएफए। आज हम बात करने वाले हैं उस समय की जब भारत का संविधान बन ही रहा था। भारत के संविधान को बनाने के लिए कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें पुरुष भी शामिल थे और महिलाएं भी शामिल थी। भारत के संविधान को बनाने के लिए कई सारे ड्राफ्ट भी बनाए गए। किसी भी चीज को बनाने से पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा के सामने रखा। 22 नवंबर 1949 का दिन था। अभी तक संविधान सभा ने 11 बार संविधान के निर्माण के लिए आपस में डिबेट कर ली थी। अब की बार जब संविधान सभा के सामने संविधान का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया तो रोहिणी कुमार चौधरी जी ने इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग महिलाओं और गायों की तुलना बहुत ही दयनीय स्थिति से की। उन्होंने कहा कि आपने इस संविधान के ड्राफ्ट में गायों के लिए तो गौ रक्षा कानून बनाया है, लेकिन आपने महिलाओं के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया। उन्होंने यह भी बोला कि इस संविधान ड्राफ्ट में महिलाओं के लिए सुरक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, और यह बात बिल्कुल सही भी थी कि महिलाओं के लिए कोई भी प्रावधान संविधान सभा के द्वारा संविधान ड्राफ्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। संविधान सभा की एक मेंबर हंसा जीवराज मेहता भी थी। उन्होंने संविधान सभा पे तंज कसते हुए कहा कि अगर ये लोग महिलाओं के ऊपर कानून बनाने लगे तो इन लोगों की वाहवाही हो जाएगी, जो संविधान सभा के लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये लोग इस संविधान सभा में महिलाओं के लिए सुरक्षा का प्रावधान जोड़ते तो यहाँ बैठे हर एक पुरुष को अपना मुंह छुपाना पड़ जाता। इस तरह की तीखे वचन बोल के हंसा जीवराज मेहता जी ने संविधान सभा में बैठे हुए हर एक पुरुष की निंदा करी। उनके द्वारा बोला गया हर एक शब्द तीखा था, लेकिन वह अपने स्वभाव से बहुत ज्यादा विनम्र थी। 1950 के टाइम पे महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन हंसा मेहता एक पढ़ी लिखी महिला थी। हंसा जी का जन्म 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा के दीवान मनुभाई नंद शंकर मेहता जी के घर पे हुआ था। हंसा जी ने अपनी पत्रकारिता और समाजशास्त्र की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी की। 1918 के टाइम पर इनकी मुलाकात सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी जी से भी हुई। हंसा जी एक बहुत अच्छी लेखिका भी थी। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, उसी में से एक बुक थी इंडियन वुमेन। उसी में ये लिखती हैं, जब 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो साबरमती जेल में सरोजिनी जी ने ही मुझे उनसे मिलवाया था। इन सभी घटनाओं के हो जाने के बाद इन्होंने अपने जीवन को एज अ फ्रीडम फाइटर जीना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी शादी जीवराज नारायण मेहता जी से की, जो उस समय महात्मा गांधी जी के पर्सनल डॉक्टर थे। इनकी शादी जो थी वो एक इंटरकास्ट मैरिज थी, इसलिए दोनों ओर के जो पक्ष थे वो इस शादी के खिलाफ थे। हंसा जी नागर ब्राह्मण वर्ग के परिवार से बिलोंग करती थी, वहीं जीवराज नारायण जी वैश्य मेहता थे। इस हंगामे के बावजूद भी बड़ौदा के राजा साईजी राव जी ने इस इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हंसा मेहता जी ने अपनी पूरी लाइफ को एज अ फ्रीडम फाइटर जिया है, तो इसलिए जितने भी मूवमेंट्स चला करते थे, मतलब जितने भी आंदोलन हुआ करते थे, उसमें हंसा मेहता जी हमेशा पार्टिसिपेट किया करती थी। विशालाक्षी मेनन, जिनकी पुस्तक इंडियन वुमेन एंड नेशनलिज्म द यूपी कहानी, जो 1930 में रिलीज हुई थी, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब कमला नेहरू और हंसा मेहता इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंची, तो उनके नारों को दबाने के लिए जो रेलवे का इंजन था उसके हूटर को कंटिन्यूसली बजाया गया। इस तरह के प्रदर्शन को करने के लिए हंसा मेहता जी, उनके पति जीव नारायण मेहता जी और कमला नेहरू जी को गिरफ्तार भी किया गया। इस घटना के हो जाने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले, जो साप्ताहिक पत्रिका निकाला करते थे, उन्होंने अपनी पत्रिका में डॉक्टर जीव नारायण मेहता और हंसा मेहता जी के गिरफ्तार होने की बात को भी लिखा। इसके बाद इन्हें संविधान सभा का सदस्य भी चुना गया। संविधान सभा की डिबेट में हंसा मेहता जी ने एक बात बोली कि जिस महिला संगठन से मेरा संबंध है उसने कभी भी आरक्षित सीटों, कोटा या अलग निर्वाचक मंडल की मांग नहीं की। हमने हमेशा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की ही मांग की है। संविधान सभा के अंदर मौलिक अधिकारों की डिबेट में भी हंसा मेहता जी अपनी बात बिना किसी हिचकिचाहट के रखा करती थी। हंसा जी हमेशा समान नागरिक संहिता का समर्थन किया करती थी। हंसा जी ने चाइल्ड मैरिज, महिलाओं के लिए बच्चे के जन्म पर नियंत्रण और सभी महिलाओं के लिए एजुकेशन को सुनिश्चित करने के लिए कई आंदोलन किए। इसके लिए संविधान सभा के समक्ष जो ड्राफ्ट रखा था उसमें शारदा अधिनियम भी था। उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन भी किए, चाहे वो भारत हो या विदेश, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए वो एक कट्टर स्वतंत्रता सेनानी बन गई थी। 1947 से 1948 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC में हंसा मेहता जी ने भारत का नेतृत्व भी किया और UNHRC के अनुच्छेद 1 में परिवर्तन भी कराया। अनुच्छेद 1 में एक बात लिखी थी कि सभी पुरुष समान हैं। इन्होंने पुरुष शब्द के स्थान पर मनुष्य शब्द को करवाया। I cannot say that I feel as exhilarated as I did when we adopted
the draft Universal Declaration of Human Rights. We have not found solution on some of the fundamental points. The measures of implementation are not adequate. देखने में ये बात बहुत छोटी लगती होगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज हमें देखने के लिए मिलता है। हंसा मेहता हमेशा पर्दा प्रथा का विरोध किया करती थी। हंसा मेहता जी के अकॉर्डिंग अगर धर्म के नाम पे कोई भी बुराई की जा रही है तो उसका विरोध करना जरूरी है। जब संविधान सभा के अंदर ये बात हंसा मेहता जी ने बोली तो इससे कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई। संविधान निर्माण की बात हो या देश के निर्माण की बात हो, हंसा मेहता जी हमेशा आगे रही हैं। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के दौरान हंसा मेहता जी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत की हर एक महिला की ओर से एक राष्ट्रीय ध्वज समर्पित किया गया और आजाद भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को ये ध्वज देते समय उन्होंने एक बात भी बोली, हमने भगवा रंग दान में दिया है, हमने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया है, कष्ट भी सहा है, बलिदान भी दिया है, आज हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। अपनी आजादी के इस प्रतीक को पेश करते हुए आज हम राष्ट्र की ओर पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं। 1959 में हंसा मेहता जी को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1985 में हंसा जीवराज मेहता जी की मृत्यु हो जाती है। हंसा मेहता जी हमेशा समान अधिकारों पर विश्वास किया करती थी।